मेरा आप सबको प्रणाम। मेरा नाम है काशी शर्मा। आज मैं आपको राम कथा सुनाने जा रही हूँ। त्रेता युग की बात है कि राजा दशरथ के चार पुत्र थे, श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। एक दिन राजा दशरथ सोच रहे थे कि मैं अपने बड़े पुत्र श्रीराम को राजा बना पर उनकी तीसरी रानी को ये बात अच्छी नहीं लगी। तीसरी रानी कहती है कि कोई राजा दशरथ, आज मैं आपसे दो वचन मांगने वाली हूँ। पहला वचन कि मेरे पुत्र भरत को सिंहासन मिले यहाँ का। दूसरा वचन कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। श्री राम जी ने अपने पिता के वचनों को पालन किया। लक्ष्मण जी भी बोलते हैं कि मैं भी भैया राम के साथ वनवास जाऊंगा। और सीता मैया भी जाने के लिए तैयार हो गए। राम, लक्ष्मण, सीता जी वनवास के लिए चले जाते हैं। वो एक सुंदर कुटिया में रह रहे होते हैं। एक दिन सुपना की राक्षसी वहाँ से गुजर रही होती है। उसकी नज़र राम जी और लक्ष्मण जी पर पड़ती है और सोचने लगती है, ये तो बहुत सुंदर पुरुष है, मैं इनमें से एक से विवाह करूँगी। फिर वो अपनी शक्तियों से सुंदर स्त्री का रूप धारण करती है और वो राम जी के पास चली जाती है और कहती है, हे पुरुष, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। और राम जी कहते हैं, मेरा विवाह हो चुका है, तो मेरे भाई लक्ष्मण के पास जा सकती हूँ, वो वन में अकेला है। और फिर वो जाती है सुपना खा और कहती है, हे सुंदर पुरुष, मैं आपकी सुंदरता से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। और लक्ष्मण जी भी कहते हैं, मेरा विवाह भी हो चुका है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। कहते हैं सुपना खा, आप वन में अकेले हैं और आपने मुझ जैसे सुंदर स्त्री से मना नहीं करना चाहिए। और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगा। वो कहते हैं सुपना खा, मैं इतनी सुंदर हूँ कि देवराज इंद्र का भी मन पिघल जाए, तो आपका मन कैसे नहीं पिघला। फिर लक्ष्मण जी को गुस्सा हो जाता है और फिर वो सुपना खा के नाक और कान काट देते हैं। जब उसके नाक और कान कटते हैं तो वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी उसका राक्षसी रूप देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये तो एक राक्षसी है, मैं अभी इसका वध कर देता हूँ यहीं। फिर राम जी कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, उसको जाने दो। फिर वो रोते रोते अपने भाई लंका के राजा रावण के पास जाती है और कहती है, देख भैया रावण, देखिए आपके बहन के साथ क्या हुआ है। फिर रावण कहता है, सुपना खा, तुम्हारा ये हाल किसने किया। और फिर वो कहती है सुपना खा, दो वन में दो भाई रहते हैं, लक्ष्मण और राम। उनमें से छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट दिए। रावण को गुस्सा आ जाता है और वो सुपना खा से कहता है, मैं उसका सिद्धा से अलग कर आता हूँ। सुपना खा कहती है, नहीं भैया, उन्होंने एक स्त्री का अपमान किया था, आप उसकी पत्नी का हरण कर लीजिए, सीता का हरण होने से राम वैसे ही मर जाएगा। फिर वो सुपना खा की बात मान लेता है और फिर वो मारीच के पास जाता है और कहता है, मारीच, मैं सीता का हरण करना चाहता हूँ, तुम कुछ बनकर जाओ अच्छा सा। और फिर वो सोने का हिरण बन जाता है। फिर वो राम के कुटिया के बाहर घूम रहा होता है। जल्दी सीता माता की नज़र सोने के हिरण पर पड़ती है और फिर राम जी किससे कहते हैं,
राम जी मुझे वो सोने का हिरन चाहिए। फिर राम जी कहते हैं चलो मैं अभी लेकर आता हूँ। लक्ष्मण तुम सीता माता का ध्यान रखो। मैं सोने के हिरन को लेकर आ रहा हूँ। भागते भागते बहुत देर हो गई और वो हाथ में नहीं आ रहा था। उन्होंने तीर चलाई और सोने के हिरन को तीर लग गया और वो अपने मारे अपने असली रूप में आ जाता और आवाज बदल कर राम की आवाज में बोलता है सीते लक्ष्मण बचाओ। वो आवाज सीता माता के कानों में जाती है और लक्ष्मण जी से कहती है सीता माता कि जी किसी परेशानी में जल्दी जा तुम। फिर लक्ष्मण जी को पता है राक्षसों की चाल है पर वो सीता माता को मना नहीं कर सकते थे। फिर वो घर के बाहर लक्ष्मण रेखा बनाते हैं और कहते हैं सीता जी से माता जो भी हो आप लक्ष्मण रेखा से भारत मत आना। और वो आवाज की तरफ चल जाते हैं। लक्ष्मण जी लक्ष्मण के जाते ही रावण देख लेता है और एक तो तपस्वी का रूप धारण करता है और फिर वो कुटिया के बाहर आता है और कहता है विक्षांडे। फिर वो सीता माता के कानों में आ जाती है और वो टोकरी में फल लेकर आते हैं और कहते हैं लीजिए विक्षा स्वीकार करें। और फिर वो फिर रावण लक्ष्मण रेखा को देखता है और कहता है सीता माता से अगर विक्षा देनी है तो बाहर आओ ना तो ये तपस्वी तुम्हारी कुटिया से खाली हाथ लौट जाएगा। फिर वो लक्ष्मण रेखा से बाहर आता और आगे करते हैं और फिर रावण पकड़ लेता हूँ की बात जो और हरण कर कर ले जाता है। सीता माता को ढूंढते हैं और फिर मुलाकात हनुमान जी और सुग्रीव जी से होती है। हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका चल जाते हैं और फिर वो अशोक वाटिका में देखते हैं। फिर उनको पेड़ के नीचे सुंदर नारी दिखती है। फिर वो हनुमान जी सोचते हैं कि सीता माता होगी। फिर वो देखता है ये तो सीता माता ही है। माते मैं राम भक्त हनुमान हूँ। घूटे दिखाते राम जी की। फिर सीता माता उनको पहचान लेती है। फिर उनको भूख लग जाती है। फिर वो सीता माता से कहते हैं माते मुझे भूख लग रहा है मैं ये फल खा सकता हूँ। फिर सीता माता कहते हैं हाँ जरूर खा लो। फिर वो थोड़े थोड़े फल खा लेते हैं और फिर वो सारे असुर आ जाते हैं। फिर एक को दूसरे को मारते जाते हैं। एक राक्षस आया फिर हनुमान जी को राम के द्वार में ले जाते हैं। फिर आग लगा देते हैं उनकी पूंछ में और वो मजा फिर वो कहते हैं अभी मजा चकाता हूँ। फिर वो सारी लंका में आग जला देता है और नदी से अपनी पूंछ धो लेते हैं। और फिर वो राम जी के पास जाते हैं मैं सीता माता से मिलकर आया हूँ। फिर राम जी खुश हो जाते हैं कि हनुमान जी सीता माता से मिलकर आए हैं। फिर वो जो उनकी वानर सेना थी वो पत्थरों पे राम जय श्री राम लिखकर बहुत सारे पत्थरों से पुल बना जाते हैं। फिर वो श्री राम जी वानर सेना के साथ लंका जाता है और वो पहुंच जाता है लंका। फिर रावण भी आ जाता है उनके वानर सेना भी आ जाते हैं। हनुमान जी भी मारते हैं और लक्ष्मण जी भी मारते हैं। पहले राम जी कुंभकर्ण का वध करते हैं फिर लक्ष्मण जी मेघनाथ का भी वध कर देते हैं। फिर अंत में तो रावण और राम जी का युद्ध आरंभ होता है और फिर वो रावण माया भी था वो अपनी शक्तियां युद्ध कर रहा था।
अस्त्र से रावण को लग जाता है, उसका सिर अलग से कर लेता है। फिर उसका किंतु ऐसा करते ही उसका एक नया सिर आ जाता था। उसमें बहुत सारे टेंसेस होते थे। और फिर राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, रावण मरता क्यों नहीं? तभी विभीषण आता है और कहते हैं, राम जी आप उसकी नाभि पर लगाओ, तभी रावण का वध होएगा। राम जी समझ गए, वो रावण की नाभि पर तीर लगा और पति के ऊपर गिर गया और ऐसा कर रहा था। फिर वो तो मैं उसका तो वध हो गया। राम जी ने लंका से सीता माता को छुड़वा लिया। फिर वो सीता माता को लेकर अयोध्या पहुंच जाते हैं। इसलिए अयोध्या वासी उनके आने की खुशी में घी के दिए चलाते हैं और पूरी दिवाली बना लेते हैं। और राम जी अयोध्या के राजा बनते हैं और फिर वो दिवाली बनाते हैं और राम जी का स्वागत करते हैं। जय श्री राम।